आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। सनावत 1008 भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याण महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महामस्तकाभिषेक, सामूहिक पूजन, भक्तांबर पाठ, आरती की गई। उक्त जानकारी समाज सेवी आशीष झांझरी ने देते हुए बताया, भगवान आदिनाथ का जन्म महोत्सव श्री आदिनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में मनाया गया, जिसमें प्रातः 8 बजे भगवान आदिनाथ का महामस्ताकाभिषेक किया गया। पश्चात महिलाओं ने सामूहिक पूजन किया। शाम को भक्तांबर पाठ और संगीतमय भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्री झांझरी ने बताया, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ। इनको ऋषभदेव और वृषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सुनील के जैन, नरेंद्र पाटनी, मुकेश जैन, सरल जैन, नवीन भुज, प्रफुल्ल जैन, पुष्पेंद्र जैन, अखिलेश घाटे, अंकिता जैन, सावित्री जटाले, भानुमती जैन, कैलाश जटाले, अंतरिदीय जटाले, अरविंदर सराफ मौजूद रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। आज हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याण दिवस है। पूरा देश इसको उत्साह से मना रहा है। इसी कड़ी में सनावत के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अभी प्रातःकालीन सामूहिक अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न हुई है। अब मंडल विधान होगा और रात्रि में जो हमारा अनादि निधन स्रोत है, भक्तामर स्रोत, उस 48 दीपकों के साथ उसका पूजन संपन्न होगा और भगवान का पालना झुलाने का कार्यक्रम भी होगा। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को और सभी समाजजनों को भगवान आदिनाथ के जन्म एवं तप कल्याण महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।